नमस्ते फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं कोल्ड फायर को चेक करके बताऊंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये चार अलग अलग टाइप के कोल्ड पायरो है, इसको इलेक्ट्रिक अनार बोलते हैं, तो इसको चेक करके दिखाऊंगा। तो इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो इस वीडियो का पूरा देखिए। फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है, ये चेक करने के लिए फायरिंग सिस्टम का एक यूनिट है जिसको A08 बोलते हैं, तो मैं इसका एक यूनिट यूज़ करूँगा। तो ये एक रिसीवर है, ब्लैक वाला, इसको रिसीवर बोलते हैं। और यहाँ पीछे में देखोगे तो ये यहाँ पे बैटरी लगी है, डबल ए साइज़ की चार बैटरी लगी है। ये इसका रिमोट है, जैसे इसकी स्विच को ऑन करता हूँ मैं, और ये ए नंबर वाला है, ए नंबर की स्विच को मैं प्रेस करता हूँ तो देखिए एक्टिवेट हो गया है, मतलब ये सिस्टम काम कर रहा है। उसके बाद में अलग अलग टाइप के पायरोज है, तो मैं ये पायरो आपको पहले दिखा देता हूँ। जैसे कि इसके ऊपर लिखा है SRK 2x5, मतलब 10 पीस का ही पैकिंग आता है, खान एंड ब्रदर्स, और ये इम्पोर्टेड वाला है। और जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें 10 पीस रहते हैं। जैसे बॉक्स में खोलकर आपको दिखा देता हूँ, देखिए बॉक्स खोलने पर इसमें से 10 पायरो दिखते हैं, देख सकते हैं, एक पैकिंग में 10 पीसेस रहते हैं। ये इम्पोर्टेड वाला है। तो जैसे कि मैं अब ये इसमें एक बॉक्स है, एक बॉक्स में 10 पीस रहते हैं, तो मैंने दिखाने के लिए एक आपको न्यू बॉक्स दिखा रहा हूँ, तो ये बॉक्स में रख देता हूँ। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, ये खान एंड ब्रदर्स का SRK मॉडल है, और जैसे कि देख सकते हैं, ये 10 पीस की पैकिंग में आता है। जैसे मैंने आपको दिखाया, ये ऊपर में 5 रहते हैं और नीचे में 5 रहते हैं, 10 की पैकिंग रहती है। और जो आप इसका लेबल देखोगे, तो लेबल गोल्डन कलर का स्टिकर है, द बेस्ट फाउंटेन लिखा है, 3x30, मतलब 3 मीटर इसकी हाइट रहेगी और 30 सेकंड चलेगा। और ये देखिए, नीचे में इस तरह से रहता है, मैं इसको फोड़ कर दिखा देता हूँ। जैसे देख सकते हैं, फोड़ने के बाद ये इतना डीप इसका हॉलो रहता है, और ये ऊपर अभी देखिए ये पैक पीस है, तो इसको भी मैं खोल कर आपको दिखा देता हूँ। देखिए, खोल कर देखने के बाद ये इस तरह से दिखाई देता है, तो देखिए एकदम न्यू है। देखिए, खोल कर देखने के बाद इस तरह से इसका होल दिखता है। तो इसको हम मैं चेक करके दिखाने वाला हूँ। तो चेक करने के लिए इसको क्या करेंगे, ये इसका जो वायर है, वायर को हम ऐसे निकाल देंगे। ये हमारे पास पायरो लगा रखने के लिए इसका पायरो का स्टैंड आता है, और इसका हम वायर को ऐसे खोलेंगे। वायर को खोलने के बाद इसको मैं छीलता हूँ इस तरह से, देखिए अलग अलग वायर को करना है, दोनों को सेपरेट इस तरह से सेपरेट करना है। और ये रिमोट फायरिंग सिस्टम का A08 मॉडल है, इसका ये यूनिट में यूज़ करने वाला हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अभी इसमें वायर लगा नहीं है, तो देखिए ए नंबर की स्विच को प्रेस करता हूँ तो देखिए ब्लिंक हो रहा है। अभी मैं इसको प्रेस कर, अभी इसका जो पावर है इसको मैं बंद कर देता हूँ। पहले देख लीजिए, इसमें 2 इंडिकेटर चालू है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। और देख सकते हैं, मैंने दोनों वायर को कनेक्ट कर दिया। जैसे मैं इसको शुरू करता हूँ तो देखिए एक इंडिकेशन इसमें से मिस हो गया है, मतलब एक बंद हो गया है, इसका मतलब ये हमारा सिस्टम कनेक्ट हो गया है। जैसे मैं इसको ट्रिगर करूँगा, ये वाली स्विच को प्रेस करूँगा, तो यहाँ से फाउंटेन निकलना शुरू हो जाएगा। तो इसको चेक करके दिखाऊंगा मैं, तो उसके पहले इसको मैं बंद कर देता हूँ और कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स, आप जो देख रहे हैं, ये मैं आपको कंपेयर करने के लिए दिखा रहा हूँ। ये ब्लैक कलर की पैकिंग में आता है, इसका वायर येलो कलर का रहता है, और ये प्रोडक्ट है ना, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं रहती। इसके ऊपर स्टिकर पर लिखा है 3 मीटर हाइट और 35 सेकंड, पर ये जैसे लिखा है वैसे देता नहीं है, और इसकी क्वालिटी जो है बहुत पुअर क्वालिटी है। तो जो रिज़ल्ट आता है हमें बहुत बेकार रिज़ल्ट आता है, तो इसको यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत पुअर क्वालिटी का प्रोडक्ट है। तो ये ब्लैक कलर की रैपिंग है, तो ब्लैक कलर की रैपिंग में मार्केट में अलग अलग प्रोडक्ट आते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये दो प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको मैं साइड में कर देता हूँ। इसको देख सकते हैं, ये ब्लैक प्रो के नाम से आता है, और ये इसका एक अलग दूसरा नाम भी है, ये गोल्ड फाउंटेन ब्लू कोर। ब्लैक प्रो और ब्लू कोर एक ही है, 3 मीटर इसकी हाइट है, 35 सेकंड है। ये बहुत ट्रस्टेड प्रोडक्ट है, ब्लैक प्रो एक नाम से ही बिकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस तरह से पायरो रहता है, आप देखेंगे ये न्यू है। देखिए इस तरह से पीछे में इसका रहता है, और इसको मैंने फोड़ कर पहले दिखाया था एक वीडियो में, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। देखिए दोनों का लगभग जो पैकिंग है सेम ही है, और इसका देखिए हाइट भी सेम है, देखिए हाइट सेम है, नीचे से भी सेम है। और ये ब्लैक प्रो है, ये सबसे ज़्यादा लोग डिमांड करते हैं, तो आप देख सकते हैं ब्लैक प्रो का स्टिकर इस तरह से रहता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा है 3x30, ये नीचे में इस तरह से दिखता है, और ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है। इसमें डुप्लीकेसी भी, पायरेसी भी बहुत आती है, जैसे कि मैं देख रहा हूँ, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए इस तरह से ये ब्लैक वाला भी आता है। पर फ्रेंड्स, मैं आपको कंपेयर करने के लिए दिखा रहा हूँ, देखिए इस तरह से ये लोकल का वायर ब्लैक कलर का रहता है, और यहाँ पर इसका स्टिकर थोड़ा अलग रहता है। इसके ऊपर लिखा है 3 मीटर और 35 सेकंड, और 72 dB लिखा है इसका। तो इस तरह से ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है, इसकी पैकिंग इस तरह से आती है, जैसे कि आप देख रहे हैं। देखिए ये अलग अलग पैकिंग में आता है, ऐसे एक इसकी खड्डी की पैकिंग रहती है। ये नाम से ही बिकता है, और ये बहुत डिमांडेड प्रोडक्ट है ये। तो ये मैंने आपको दिखा दिया ब्लैक प्रो, तो इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ ये कंपेयर करने के लिए। उसके बाद में फ्रेंड्स, यदि आपको गारंटेड प्रोडक्ट चाहिए तो देख सकते हैं, ये बेस्ट सिल्वर ये स्प्रिंकलर ये आता है, सिल्वर फाउंटेन के साथ में, नो स्मोक नो स्मेल इसका लिखा था। ये रॉकेट साइंस
मैन्युफैक्चरिंग है इसकी और ये गारंटेड प्रोडक्ट है, ये प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट है और ये थोड़ा सा महंगा आता है। और इसको मैं खोल कर दिखा देता हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं इसको खोलने के बाद ये डबल बॉक्स पैकिंग में आता है, जो एसआर के था एक सिंगल बॉक्स के पैकिंग में आता था, देखिए इस तरह से पैकिंग में आता है। और इसके एक बॉक्स में 10 पीस आते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं या 10 पीसेस हैं, तो देखिए यहाँ पे 5 पीसेस और यहाँ पे 5 पीसेस, तो इस तरह से इसका पैकिंग में आता है। रॉकेट साइंस कंपनी का होने के कारण इसकी गारंटी ऐसी है कि इसमें स्मेल भी नहीं आएगा, स्मोक भी नहीं होगा और ये प्रीमियम प्रोडक्ट है तो ये भी हमारे पास मिल जाएगा। तो इसको भी मैं चेक करके आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो इस तरह से ये रहता है, तो दिखाने का पर्पज़ ये था कि देखिए इस तरह से ब्लैक रैपिंग आता है, पर इसकी पायरेसी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये आपको जब भी परचेस करना है थोड़ा सा ट्रस्टेड वाला परचेस कीजिए ताकि आपका कभी नुकसान ना हो। तो ये मैंने आपको प्रोडक्ट दिखा दिए, तो जो मैंने आपको पहले एसआरके वाला दिखाया था उसको चेक करके दिखाना है। फ्रेंड जैसा कि देख रहे हैं अभी ये रेडी है, जैसे मैं इसको ए वाले स्विच को प्रेस करूँगा तो यहाँ से फाउंडेंट निकलना शुरू हो जाएगा। मैंने ऊपर का एल्यूमिनियम पेपर फाड़ दिया है, तो इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। देख सकते हैं रूम के अंदर यूज़ कर रहा हूँ मैं इसको, और ये हल्का सा एक लाइट चालू है। लाइट इसलिए चालू है क्योंकि कैमरे में बराबर शूट होना चाहिए, इसलिए मैंने लाइट को चालू रखा है। तो मैं इसको अभी प्रेस करूँगा तो ये शुरू हो जाएगा। फ्रेंड देख सकते हैं ये एसआरके ब्रदर्स का, ये खान एंड ब्रदर्स का ये पायरो है, इसका गोल्डन रैपिंग है, मैंने इसके ऊपर लगा दिया। रिमोट सिस्टम मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया, जैसे मैं स्विच को प्रेस करूँगा तो ये यहाँ से फाउंटेन निकलना शुरू हो जाएगा। अभी देखते हैं यहाँ से जो स्लैब की हाइट है ये 12 फीट है, मतलब 12 फीट हाइट है इसकी, और ये मैं रूम के अंदर यूज़ कर रहा हूँ। अभी एक लाइट शुरू है तो लाइट को शुरू रहने देता हूँ क्योंकि कैमरा में शूट होना चाहिए, और इसको मैं अभी शुरू करूँगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो 1 2 3 स्टार्ट, तो मैं थोड़ा सा बाजू हो जाता हूँ और इसको शुरू कर देता हूँ। फ्रेंड्स मैंने ये एसआरके जो खान एंड ब्रदर्स का जो पायरो था उसको मैंने चेक करके दिखा दिया, तो ये गोल्डन कलर की रैपिंग है और 10 की पैकिंग में आता है। तो मैंने ये एक डब्बा आपको दिखा दिया और ये देख सकते हैं ये 10 की पैकिंग में आता है, इस तरह से आता है। ये इम्पोर्टेड वाला है और ये एसी इंडोर हॉल के लिए है, क्योंकि मैंने अभी इसको ये फायर करके आपको दिखा दिया। तो आपने हाइट देखा है, 10 फीट हाइट इसकी जा रही थी, और इसमें धुआं नहीं है और स्मेल नहीं है, ये दोनों चीज़ें नहीं है, इसके लिए इंडोर यूज़ के लिए आप कर सकते हैं, बेस्ट है, बढ़िया है। इसको आप एसी हॉल में भी यूज़ कर सकते हैं और रूम के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, बेंकेट हॉल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये ट्रस्टेड प्रोडक्ट है तो आप इसको यूज़ करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसी हॉल के लिए बढ़िया है क्योंकि इसमें स्मेल भी नहीं है, स्मोक भी नहीं है। तो ये इंपोर्टेड पायरो मैंने आपको चेक करके दिखा दिया। यदि ये प्रोडक्ट आपको परचेस करना है तो हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको होलसेल रेट में मिल जाएगा। तो जैसे कि आप देखा ये ब्लैक कलर का इसका बॉक्स रहता है और अंदर जो रैपिंग रहती है गोल्डन कलर की रहती है। तो फ्रेंड्स मैंने इसको चेक करके आपको अभी दिखा दिया, लाइव दिखा दिया। तो ये रूम के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं, इंडोर यूज़ कर सकते हैं, इसमें धुआं और बदबू ये दोनों नहीं है, तो ये आप इंडोर यूज़ के लिए कर सकते हैं। इसमें फिर सिर्फ एक ही इशू है कि इसका आवाज़ थोड़ा नॉर्मल पायरों से ज़्यादा आता है। इसमें यदि आप आवाज़ यदि फैक्टर को बाजू में रखते हैं तो ये एकदम बढ़िया है, ट्रस्टेड है। थोड़ा सा इसका आवाज़ ज़्यादा आता है तो आपको ये क्लियर कर रहा होगा, इसका आवाज़ नॉर्मल पायरों से थोड़ा सा आवाज़ इसका ज़्यादा है, बाकी इसमें स्मेल भी नहीं है और स्मोक। फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। वीडियो आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।